इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद आज बहराइच दौरे पर पहुंचे। उन्होंने आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षियों पर निशाना साधा। मंत्री संजय कुमार निषाद ने इंडिया के गठबंधन और समाजवादी पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। साल 2014 में कह रहे थे समाप्त हो जाएंगे, खुद समाप्त हो गए। साल 2017 में समाप्त हो गए। 2017 में जब कांग्रेस का पाप अपने सर पर लाए तो 100 सीट दे दिया, खत्म हो गए। अब के देखिए कि कांग्रेस का साथ देंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये जो यूपीए का पाप जो है जिसके सर पड़ेगा वो समाप्त हो जाएगा। ये अकेले थोड़ी ही जाएंगे, एक दर्जन पार्टियों को लेकर ये पाप डूबेगा। मंत्री संजय कुमार निषाद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जवाब देना होगा कि वह यदुवंशी है कि नहीं। अब सारे यादव हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि यदुवंशियों की जन्म भूमि कृष्ण भूमि हम मुक्त करा रहे हैं। अब ये बताएं कि उस पर मस्जिद बनाने वाले के साथ रहेंगे या कृष्ण के साथ रहेंगे, ये साबित करें कि कृष्ण के वंशज है कि नहीं है। तो समाप्त हुए थे जिस तरह से कंस का समाप्तकरण हुआ, ऐसे भाजपा का समाप्त। एक बार थोड़ी बोल रहे हैं, वो नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष है और 2014 से जो बोलते उसके उल्टे होता है। 2014 में समाप्त कर रहे थे, समाप्त हो गए। 2017 में समाप्त हो गए। 2019 में चले गए सपा बसपा के साथ। 2017 में कांग्रेस का पाप जब अपने सर पर लाए, 100 सीट सब भाजपा को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, खत्म हो गए। अब कि देखो फिर कांग्रेस के साथ गए हैं। तो यूपीए का जो पाप है वो जिसके सर पड़ेगा वो समाप्त हो जाएगा। ये अकेले थोड़ी जाएंगे, एक दर्जन पार्टियों को ले गए पाप जो है डूबेगा ईरान के जन्म। लेकिन मंत्री आओ सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाओ। अब फिर जितना बयान लिया उतना बोल रहे हैं, उससे क्या होगा कि समाजवादी पार्टी में रहने वाले अब अखिलेश जी को बयान देना पड़ेगा कि उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह ने उनके फार्म में कौन सा धर्म और जाति में, जाति में तो यादव लिखा होगा, धर्म में क्या लिखा होगा, मुसलमान क्रिश्चियन या और, अगर इनको तो अब जवाब देना है ना कि कृष्ण यदुवंशी है कि नहीं है। अब सारे यादव हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि उनकी जन्मभूमि यदुवंशियों की जन्मभूमि कृष्ण भूमि जो है हम मुक्त करा रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सारे यादव धीरे धीरे इधर आ रहे हैं। अब कल जवाब देना पड़ेगा कि भाई उस पर मस्जिद बनाने वाले के साथ रहेंगे अखिलेश जी या कृष्ण के साथ रहेंगे, ये साबित करें कृष्ण के वंशज हैं कि नहीं है। जो उन्माद फैला। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।